जवान लगनचंद एक साल बाद अप्रैल के अंत तक घर आने वाले थे। वो अपने 6 महीने के बेटे सक्षम से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। हालांकि उनकी पत्नी जनवरी में ही राजस्थान से घर लौटी हैं, लेकिन माता पिता को उनके बेटे के घर आने का भी खासा इंतजार था। लेकिन बेटे का इंतजार करती वो आंखें अब नम है, क्योंकि वो बेटा अब नहीं लौटेगा। दरअसल टायर में हवा भरते समय उसके फटने से लगनचंद शहीद हो गए। इससे पूरा परिवार सदमे में है। 6 महीने के बेटे के सिर से पिता का साया उठ गया है। माता और पत्नी बार बार बेहोश हो रहे हैं। उन्हें गांव के लोग रिश्तेदार सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे हैं। 27 साल के लगनचंद 2011 में पंडो में भर्ती हुए थे और वर्तमान में वो तोपखाना 94 मध्यम रेजिमेंट राजस्थान में सेवाएं दे रहे थे। एक समय के लंबे अंतराल के बाद घर वालों के साथ गांव वालों को भी उनके घर आने का इंतजार था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की घाटी के दुर्गम पंचायत सिल्ली के गांव गरुली में आज जब शहीद का शव पहुंचा तो सबकी आंखें नम हो गई। शहीद को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। Go! 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 Go!